हाय, मैं हूं अमन और आप लोग देख रहे हैं वॉच टावर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे डायरेक्टर की जो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन उससे पहले लेट मी मेक अ पॉइंट। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। बोल। आई थिंक आजकल की कॉमेडी मूवीज, स्पेशली इंडियन कॉमेडी जॉनर, खुद में कंफ्यूज हो गई है। मुझे उनकी एक्टिंग, जोक्स या एक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें हैं, बट मुझे असली दिक्कत उन मूवीज़ की फिल्म मेकिंग से है। आजकल प्रोबेबली सारे ही डायरेक्टर्स बस एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी पर ही ध्यान देते हैं, और शायद इसलिए उनकी मूवी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती नहीं है। नाउ आई नो कि इस जॉनर को लेके सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस और प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन पोटेंशियली दे आर नॉट डूइंग इनफ। सो लेट्स टॉक अबाउट समवन जो इस जॉनर को अपनी पीक पोटेंशियल पर ले जा रहा है। क्या आपने ये मूवीज देखी है? ऑब्वियसली देखी तो होगी ही, और आई एम श्योर बार बार देखी होगी। मेरे हिसाब से दीज मूवीज आर द मोस्ट रीवॉचेबल मूवीज मेड इन इंडिया। क्यों? इनको आप बार बार देख सकते हो, रिगार्डलेस आपकी एज क्या है, आपके लाइफ में किस फेज से आप गुजर रहे हो, या आपका मूड क्या है। और तो और, आप आपकी फैमिली के साथ भी ये मूवीज देख सकते हो, विच इज क्वाइट रेयर दीज डेज। और एक सवाल, क्या आप इस कैरेक्टर का नाम जानते हो? मकसूद नाम है मेरा। ये कैरेक्टर 2.5 घंटे की मूवी में हार्डली 2.5 मिनट ही आया है, एंड स्टिल यू ऑल रिमेम्बर हिज नेम। इतने छोटे कैरेक्टर का याद रह जाना किसी मैजिक से कम नहीं है। लेकिन राजकुमार हिरानी लिटरली हर मूवी में ये मैजिक कैसे क्रिएट करते हैं? फन फैक्ट, हिरानी मुन्ना भाई से पहले एड डायरेक्ट करने के लिए ज्यादा फेमस थे। फेविकॉल की आधे से ज्यादा एड्स हिरानी ने ही बनाई है। लेकिन एक एड और एक मूवी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एड हार्डली 30 सेकंड की होती है, और वहीं मूवीज 3 घंटे तक जा सकती है। सो ऑब्वियसली एड बनाने में अलग स्किल लगती होगी, क्योंकि इन्हीं कुछ सेकंड्स में कैरेक्टर को डेवलप करके उनकी स्टोरी भी बतानी होती है, और वहीं मूवीज में वो कुछ सेकंड्स घंटों में बदल जाते हैं। बट हिरानी समवन जिसने अपने एड्स के स्किल्स अपने फिल्म मेकिंग में भी यूज़ किए, और कहीं ना कहीं यही सारे ट्रेट्स उनको यूनिक बनाती है। सो चलो देखते हैं उनकी कुछ स्किल्स क्या है। यूजुअली एक मूवी किसी जॉनर को पकड़ के चलती है। जैसे एक्शन मूवी में शुरू में थोड़ी कॉमेडी होगी, फिर लव स्टोरी आएगी, फिर थोड़ा सैडनेस, थोड़ा गुस्सा, और लास्ट में एक्शन से ही मूवी ख़त्म हो जाएगी। और मोस्टली सारे जॉनर्स इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन राजू हिरानी के बस एक ही सीन में आपको ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने मिल जाएंगे। जैसे ये सीन, यहाँ रैंचो पिया को अभी प्रपोज करने आया है, फिर वो पिया की जगह उसकी बहन का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वायरस नींद में उठ जाता है, और फिर ये तीनों दोस्त अपने क्लासरूम में जाके छुप जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वायरस क्लासरूम में राजू को ढूंढते हुए आता है। अब यहाँ सिचुएशन टेंस्ड है। राजू रस्तों की कहाँ है? प्रेजेंट सर। फरहान और रेंचो थोड़े घबराकर राजू को बचाने की कोशिश करते हैं। सर, दो रात से सोया नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर? बट यही हिरानी सिचुएशन को टेंस्ड से एक ही झटके में कॉमिकल बना देता है। इन दैट केस मिस्टर राजू रस्तोगी। यस सर। कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? नाउ यहाँ चीज खत्म नहीं होती। अब सडनली ये कॉमेडी सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वायरस राजू को डायलेमा में डाल देता है। लेटर में से अपना नाम निकाल दो और रणछोड़दास छाछड़ का नाम डाल दो। मुझे पता है कि कल रात वो तुम्हारे साथ था। मेरे विटनेस बन जाओ और मैं तुम्हें कॉलेज से नहीं निकालूंगा। और अब इस डायलेमा को एम्पलीफाई करने के लिए हिरानी यूजेस दिस डाइजेटिक साउंड। और इस कंफ्यूजन को वो एक सुसाइड पर खत्म कर देता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। आई नो ये एक मीम बन चुका है,
लेकिन ये डायलॉग बस यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता। ये डायलॉग इस मूवी में 3 बार आया है, लेकिन हर बार इसके पीछे का एसेंस और इमोशंस चेंज हो जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? पूछना पूछना। और ऐसे ही रिकरिंग डायलॉग्स हिरानी के लगभग हर मूवी में होते हैं। चुप होना, चुप। All is well, बोल। All is well, बोल। All is well। As a viewer, हम इन डायलॉग्स के साथ साथ पूरी मूवी में ग्रो होते हैं, which connects us to the characters more। और यही रिकरिंग डायलॉग्स हमें सालों बाद तक याद रह जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। इसकी टाइमिंग, इसका एसेंस एक मूवी में काफ़ी सटल वे में यूज़ करना इज़ अ बिग टास्क, और राजू हिरानी डज इट सीमलेसली। हिरानी के मूवीज़ का कौन सा डायलॉग आपको पसंद है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यूजुअली एक बॉलीवुड मूवी को सक्सेसफुल बनाने के अप्रोच में फिल्म मेकर्स और टिपिकल टाइप के सॉन्ग्स यूज़ करते हैं। एक आइटम सॉन्ग, एक रोमांटिक सॉन्ग, एक इमोशनल सॉन्ग इज़ अ मस्ट। लेकिन यहाँ भी हिरानी बॉलीवुड के इस लॉजिक को डिफाई करते हुए सॉन्ग्स ऐसे यूज़ करते हैं जो स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करें, नॉट द अदर वे अराउंड। जैसे इस मूवी में मुन्ना भाई गा रहा है, वो सॉन्ग्स के लिरिक्स भी मुन्ना भाई के कैरेक्टर के हिसाब से ही लिखे गए हैं। थ्री इडियट्स के इस गाने को शूट भी इसी तरह किया गया है, जिसमें बीइंग एन ऑडियंस आप उस इमोशन को फील कर सकते हो। रैंचो के थॉट्स और मेंटेलिटी को जिस तरह पिया ने परसीव किया है, हम भी उसी तरह उस सॉन्ग्स में विजुअल्स को देख सकते हैं। ओनली एक्सेप्शन बीइंग दिस सॉन्ग। यहाँ मुन्ना भाई किसी 90s के टिपिकल हीरो की तरह गा रहा है, विच इन सम वेज फील्स अब्रप्ट, और यही एक वो गाना है जिसको राजकुमार हिरानी खुद रिग्रेट करते हैं। थ्री इडियट्स, जो राजकुमार हिरानी की सबसे पॉपुलर मूवी है, उसका मेजर पार्ट जो उसको ज्यादा अपीलिंग बनाता है वो है उसका नरेशन। उस दिन सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इमोशनल होके वादे कर रहे थे कि टच में रहेंगे, साल में एक बार जरूर मिलेंगे। किसे पता था कि हम रैंचो को आखिरी बार देख रहे थे। इस मूवी में फरहान का ये नरेशन ऐसा फील होता है जैसे फरहान अपनी ही कहानी एक डायरी में लिख रहा हो और वो डायरी हम हैं। और फरहान के लिए ये कहानी अभी तक चल ही रही है, ख़त्म नहीं हुई। एक मूवी में किसी एक इंसान का कहानी नरेट करना किसी ऑडियंस को एक ऑथेंटिक फील देता है, जिससे हमें लगता है कि ये कहानी रियल है। ऐसा ही कुछ मुन्ना भाई में हिरानी ने आनंद के कैरेक्टर के साथ भी किया। इस मूवी में आनंद ऐसा एक कैरेक्टर है जो पूरी मूवी में कोमा में है और वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मूवी ख़त्म होते होते हम आनंद को कुछ बच्चों को मुन्ना की कहानी सुनाते हुए देखते हैं, विच मेक्स अस कनेक्ट टू द एंडिंग मोर, क्योंकि हम ऑडियंस मुन्ना के साथ साथ आनंद का कैरेक्टर भी ग्रो होता हुआ देखते हैं। और लास्ट में ये सीन ऑडियंस को एक वार्म सा इमोशन दे के जाता है। वह इन सब की बहुत याद आएगी, खासकर इस मुन्ना की। मामू। हिरानी एक मूवी की स्क्रिप्ट से लेकर उसके फ्रेम्स तक खुद सारे क्रूशल चीज़ें डिसाइड करते हैं, विच मेक्स हिम कंट्रोल हिज मूवीज कम्प्लीटली। और शायद इन्हीं एलिमेंट्स के कारण हिरानी की मूवीज से हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं और मूवीज़ काफ़ी सालों बाद तक रीवॉचेबल और रिलेटेबल बन जाती है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इफ़ यू वांट कि हम इसी तरह और डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के फिल्मिंग स्टाइल को भी समझाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।